हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस विषय में जो हमारा लेसन 1 चल रहा है, उसी लेसन में हम पढ़ रहे थे फसल ऋतु, यानी भारत में खेती करने वाली प्रमुख ऋतुएं, जिसमें से आप पढ़ चुके थे खरीफ, रबी तथा जायद। तो पहला प्रश्न था, खरीफ की फसलें किसे कहते हैं? तो आप खरीफ की फसलें पढ़ चुके हो, तो उसी क्रम में आज हम रबी की फसलें और जायद की फसलें पढ़ेंगे। तो पहला, यानी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, रबी की फसलें किसे कहते हैं? तो आप उसी, यानी खरीफ की फसल के आगे अपनी फेयर कॉपी पे इसको कंटिन्यू करोगे, यानी इसको लिखोगे और अच्छे से पढ़ोगे। और वीडियो में हम समझते हैं रबी की फसलें और जायद की फसलें। तो प्रश्न है, रबी की फसलें किसे कहते हैं? देखिए क्या है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। शीत ऋतु यानी जो जाड़े की ऋतु होती है, उस ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको रबी की फसलें कहते हैं। इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल मई में काटा जाता है। यानी जो रबी की फसलें हैं वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, और ये फसलें जो है पक कर के अप्रैल और मई के महीने में तैयार होती हैं। तो इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल और मई के महीने में काटा जाता है। तो शीत ऋतु में या सर्दी की ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। ये फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं। यानी इन फसलों को अक्टूबर नवंबर माह में बोकर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अक्टूबर नवंबर माह में बोकर, अक्टूबर नवंबर माह में बोकर अप्रैल मई माह में काटा जाता है। अप्रैल मई माह में काटा जाता है। अब देखिए क्या आवश्यकता होती है इनको, इनको कम तापमान एवं कम पानी की आवश्यकता होती है। यानी जो रबी की फसलें हैं, इन फसलों को कम तापमान चाहिए और कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये फसलें सर्दी में उगती हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा तापमान यानी टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, और सर्दी के मौसम में कम पानी में भी फसलें तैयार हो जाती हैं। इसलिए रबी की फसलों को कम पानी कम तापमान की आवश्यकता होती है। उदाहरण, यानी रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, देखिए, गेहूं, जौ, सरसों, आलू, दलहन, यानी दालों में भी आपकी कुछ दालें बोई जाती हैं, जैसे चने, मसूर, इस प्रकार की, ये भी रबी के फसलों में ही आती हैं। तो उदाहरण हो गया गेहूं, जौ, सरसों, आलू आदि। तो फिर एक बार देखते हैं कि रबी की फसलें किसे कहते हैं। तो शीत ऋतु में, यानी सर्दी के मौसम में, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर माह में बोकर, अक्टूबर नवंबर माह में बोकर अप्रैल मई माह में काटी जाती हैं। यानी इन फसलों को अक्टूबर नवंबर माह में बोकर अप्रैल मई माह में काटा जाता है। इनको कम तापमान एवं कम पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण, गेहूं, जौ, आलू, सरसों, कुछ दलहन आदि। कुछ दलहन में जैसे आपका चना है, मसूर है, इस प्रकार की ये फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। इसके बाद
आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न, जायद की फसलें किसे कहते हैं, यानी जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं, कब बोई जाती हैं और इनको क्या आवश्यकता होती है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को जायद की फसलें कहते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी का मौसम होता है उसमें ही बोई जाती हैं और गर्मी के मौसम में ही ये फसलें काटी भी जाती हैं, ये भी ध्यान रखना। यानी इन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, बोने में भी और तैयार होने में भी अधिक तापमान की ही ज़रूरत होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को जायद की फसलें कहते हैं। यानी जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं फसलें, उनको जायद की फसलें कहते हैं। ये फसलें मार्च अप्रैल में बोकर मई जून में काटी जाती हैं। यानी इन फसलों को तैयार होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। रबी की फसलें और खरीफ की फसलों से जायद की फसलें शीघ्र तैयार हो जाती हैं। यानी ये फसलें मार्च अप्रैल माह में बोई जाती हैं, मई जून में काटी जाती हैं। यानी ये फसलें 1.5-2 महीने के अंतराल में तैयार होना शुरू हो जाती हैं। और ये फसलें, ये भी ध्यान रखना, जायद की फसलें गर्मी के मौसम में ही बोई जाती हैं और गर्मी के मौसम में ही काटी जाती हैं। तो लाइन है कि ये फसलें मार्च अप्रैल में बोकर मई जून में काटी जाती हैं। इनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यानी जो जायद की फसलें हैं उन्हें तापमान की अधिक आवश्यकता होती है और इन्हें वर्षा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह फसलें वर्षा के पानी से खराब हो जाती हैं। यानी इन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता या अधिक वर्षा के पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियों में जैसे लौकी, तरोई, सीताफल आदि। यानी जायद की फसलों में सभी फसलें फल या सब्जियां ही होती हैं। यानी अन्न नहीं होता है, यानी अनाज वाली फसलें नहीं आती हैं जायद की फसलों में। तो जायद की फसलों में यानी आपके जितने फल होते हैं, जो आपके ग्रीष्म ऋतु के मुख्यतः फल तरबूज, खरबूजा या खरबूज, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां, लौकी, तरोई, सीताफल और भी हो सकती हैं। यानी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में लिए गए हैं, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो जायद की फसलों में बोई जाती हैं या जायद की फसलें कहलाती हैं। तो आज के दो प्रश्न थे, रबी की फसलें किसे कहते हैं, जायद की फसलें किसे कहते हैं। यानी ये दो आज के प्रश्न हैं, इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर भी बताए गए हैं और आपको अपनी फेयर की कॉपी पर अच्छे से लिखना है और अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है।